हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बताऊंगा कि विंडोज़ 10 जो होता है कि वो हैंग होने लगता है। मतलब हम जैसे कि 1 ईयर और 2 ईयर ऐसे यूज कर देते हैं, वो हैंग करने लगता है। ऐसे भी जब जो कि नया कंप्यूटर आता है वो भी हैंग करते हैं, पर उसका सलूशन क्या है? बट मैं एक मतलब एक स्टेप बताऊंगा, यहाँ पर आप एक स्टेप करके आपका कंप्यूटर को हैंग होने से बचा सकते हो। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मैं हर टाइम दिन भर रात भर हर टाइम मैं कंप्यूटर यूज करता हूँ। और बहुत जैसे कि ये देखो, मैं एंड्रॉयड स्टूडियो यूज करता हूँ। एंड्रॉयड स्टूडियो देखो, यहाँ पर मुझे भी प्रॉब्लम फेस होता है। यहाँ पर देखो, एंड्रॉयड स्टूडियो यूज करता हूँ, उसके बाद प्रोग्रामिंग करता हूँ और बहुत सारे हैवी सॉफ्टवेयर चलाता हूँ। ये देखो, GTA 5 टाइप का एक गेम है, वो भी स्टूडियो में लाइव स्ट्रीम करता हूँ। प्रीमियम प्रो में ये करता हूँ। बट ये देखो, मेरा कंप्यूटर का स्क्रीन है, मतलब कितना कचरा भरा हुआ है इसके अंदर। यहाँ पर भी ये देखो, वो छोड़ो, मतलब ऐसे हैंग करेगा। बट उसको उसके लिए मेरे पास एक सोल्यूशन है, मतलब एक सोल्यूशन, मतलब मैं कोई रॉकेट साइंस से नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। मतलब एक स्टेप पे, अगर देखो मेरा वीडियो, ये जो मैं बोल रहा हूँ, इस वीडियो को डिसलाइक करके जाना। अगर इसी स्टेप इसी काम करके अगर आपका कंप्यूटर हैंग होने से मतलब कि आपका कंप्यूटर ठीक नहीं होगा, तो मतलब इसको डिसलाइक करके जाना। मैं बोल रहा हूँ कि ये मैं 100% बोल रहा हूँ कि आपका कंप्यूटर ठीक हो जाएगा, मतलब हैंग नहीं करेगा। बट एक इसका डिमेरिट है कि वो कितना कि वो 10 मिनट ही, मतलब वो मतलब कितना 1 आवर 2 आवर के बाद में क्या होता है कि वो फिर से इस प्रोसेस करना पड़ता है। क्योंकि वो जब हम आप मतलब इंटरनेट चलाओगे, वो ऑटोमेटिक वो उसी स्टेज में आ जाएगा। इसलिए आपको ये काम करना पड़ता है, मतलब 3 जब कंप्यूटर स्टार्ट करोगे उसी जो इसी प्रोसेस को आप करना पड़ेगा। देखो ये देखो, मैं इसी का बात कर रहा हूँ। इस सेटिंग में जाना, सेटिंग नहीं, रुको, यहाँ पर सर्विसेज में जाना। सर्विसेज में जाके इसको विंडोज अपडेट को ऑफ कर देना। ये सबसे मतलब अच्छी बात है कि देखो, विंडोज अपडेट जो है इसको इसके ऊपर डबल क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पर पहले मैनुअल कर देना, क्योंकि हमको स्टार्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है अभी। अभी देखो, स्टार्ट का ऑप्शन आ गया। उसके बाद इसके डिसेबल करना, उसके बाद स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देना। ये देखो, उसके बाद अप्लाई करना, ओके करना। इसके बाद देखो, विंडोज अपडेट रनिंग डिसेबल हो गया। ये देखो हो गया, मतलब इतना कर दिया, मतलब काम खत्म। और अभी आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये देखो, आपका कंप्यूटर बहुत स्मूथली चलेगा, बहुत स्मूथली चलेगा। क्योंकि ये क्या होता है कि इसका मेकानिज्म ये है कि जो विंडोज अपडेट है, वो विंडोज अपडेट आपका कंप्यूटर का सब रिसोर्स ले जाता है। मतलब आपका जो भी मतलब प्रोसेस चल, मतलब सब आपका कंप्यूटर का जितना पावर है वो सब ले लेता है। ये देखो, मेरा सिस्टम का रिक्वायरमेंट दिखा देता हूँ अबाउट में। मेरा तो 16 GB का PC है। ये देखो मेरा मतलब 16 GB मतलब इसका रैम है, और 2.71 GHz में चलता है। ये तो फिर भी मतलब मेरा भी हैंग हो जाता है कब, जब एंड्रॉयड स्टूडियो में करता हूँ। जैसे कि इमुलेटर चलाता हूँ, एंड्रॉयड इमुलेटर जब टेस्टिंग करने के लिए यूज़ करता हूँ, तभी हैंग हो जाता है। बट नॉर्मल काम में जब यूट्यूब देखता हूँ उस टाइम होता है। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि मेरा इतना मतलब मेरा कंप्यूटर सिस्टम इतना अच्छा है, बट मेरा भी क्यों हैंग हो रहा है? जब मैं ऑफ कर देता हूँ विंडोज अपडेट को, तब वो ठीक हो जाता है। मतलब मुझे और कुछ नहीं करना पड़ता है, और इसलिए मैं सोचा कि एक वीडियो बनाऊंगा कि मैं बताऊंगा कि मतलब आपका प्रॉब्लम सोल्यूशन करने के लिए मैं इस वीडियो में बनाया था। इसलिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना भाई के चैनल को। देखो, इस वीडियो में मैं मतलब ऑनलाइन मतलब जावा का कोर्स किया हूँ, मतलब जो बहुत सारा प्रोग्रामिंग किया हूँ। इसके अंदर मैं आप मेरा चैनल के अंदर जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। जावा स्टार्ट करो, उसके बाद एंड्रॉयड स्टूडियो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सब कुछ बताऊँगा इसके अंदर। मतलब इसके अंदर पहले से डाला हूँ, देखना जाके। ठीक है, गुड बाय।